इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है 1,24,000 करोड़ रुपए में। ये है रेलवेज का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि स्पेशली सुपर फास्ट फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें ट्रेन 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से दौड़ पाएंगी। लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बीच टोटल लेंथ होगी लगभग 3,400 किलोमीटर की। इसका पर्पस है इंडिया को ट्रेड और कॉमर्स का पावर हाउस बनाना, जिससे एक्सपोर्ट करना पहले से और आसान हो जाए और इम्पोर्ट करना और सस्ता। साथ ही देश के अंदर सामान लाने ले जाने में काफी समय और पैसे भी बचाएगा। अभी तो इसके सिर्फ 2 कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न डीएफसी, मगर इनकी सफलता के बाद देश की हर मेजर सिटी को ऐसे ही एक कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। इनके पूरी तरह खुलने के बाद कई ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन डबल स्टैक कंटेनर्स के साथ दुनिया की पहली 7.1 मीटर ऊंची टनल सोना में, नया 12,000 हॉर्स पावर का सबसे पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव और वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट की ऐसी और भी काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, मगर उससे पहले देखते हैं कि इंडियन रेलवे को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ रही है एग्जिस्टिंग नेटवर्क से अलग। आज से 185 साल पहले इंडिया में रेलवे की शुरुआत फ्रेट ट्रेन से ही हुई थी, जब 1837 में मद्रास के रेड हिल्स से चिंतादिरपेट तक पहली लाइन बिछाई गई। इसको रोड बिल्डिंग मटेरियल को लाने ले जाने के लिए बनाया गया था। इसके 16 साल बाद 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक। इसकी पॉपुलैरिटी और एफिशिएंसी को देखते हुए देश के हर कोने तक रेलवे लाइंस बनाई गई, दोनों पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से इंडिया आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन पाया है 68,000 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। ये नेटवर्क तो काफी इंप्रेसिव है, मगर इसमें कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि इसके कई सेक्शंस पुराने हैं, बुरी हालत में और अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। और क्योंकि इसे दोनों पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन आपस में शेयर करती हैं, इसीलिए इसमें काफी डिलेज भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर डिलेज फ्रेट ट्रेन को झेलने पड़ते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। कई बार तो ये घंटों तक खड़ी रहती हैं लाइन के क्लियर होने के लिए, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाती। इन्हीं कारणों से एक फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 24 किलोमीटर पर आ रहे देश में, यानी दिल्ली से मुंबई सामान भेजने में औसतन 65 घंटे लगते हैं, जो कि बहुत ही स्लो है। ट्रक्स इससे 60% कम टाइम लेते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवेज की सबसे ज्यादा कमाई फ्रेट से ही होती है, टोटल रेवेन्यू का 64%। पैसेंजर ट्रेन इससे आधा ही कमा पाती हैं 29% के साथ, और बाकी 7% केटरिंग, पार्सल्स और एडवर्टीजमेंट से आते हैं। इसके बावजूद रेलवेज का सबसे ज्यादा खर्चा पैसेंजर ट्रेन चलाने में ही चला जाता है, उसके अपने रेवेन्यू से भी ज्यादा। क्लीनिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन और सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च होता है। फ्रेट ट्रेन्स को हमेशा से ही बैड डील मिलती रही है, जिससे लॉजिस्टिक कंपनीज ने इस पर रिलाय करना कम कर दिया, स्पेशली उन केसेस में जिनमें डिलीवरीज टाइम सेंसिटिव होती हैं। हालांकि रेल में सामान ट्रांसपोर्ट करना 10 गुना सस्ता पड़ता है ट्रक से, मगर कंपनीज रोड से सामान भेजना प्रेफर करती हैं समय बचाने के लिए। 1950 में देश के टोटल फ्रेट ट्रैफिक का 83% रेल से जाता था, जो कि 2011 तक आते आते 35% तक गिर गया। आजकल ज्यादातर कार्गो ट्रक से ही ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि एनवायरमेंट और रोड कंजेशन के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए और फ्रेट रेल को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को प्लान किया गया था अर्ली 2000s में। 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए, मगर ऑपरेशंस इंडियन रेलवे ही संभालेगी। इसके लिए सबसे पहले इन 2 रूट्स को प्लान किया गया और कुछ सालों बाद इन 4 नए रूट्स को भी प्रपोज किया गया, जो कि सारी मेजर सिटीज को कनेक्ट करेंगे। ये रूट्स इसलिए चूज किए गए क्योंकि रेलवेज का मेजर ट्रैफिक इन्हीं से होकर गुजरता है। हर साल इंडियन रेलवेज 121 करोड़ टन का फ्रेट ट्रांसपोर्ट करती है, जिसमें से 55% ट्रैफिक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स के थ्रू जाता है। इतना ही नहीं, ये पूरा रूट अपनी कैपेसिटी से 15-50% तक ज्यादा ऑपरेट कर रहा है कई सालों से। इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में सिर्फ फ्रेट ट्रेन ही चलेंगी, पैसेंजर ट्रेन को आने नहीं दिया जाएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी में दादरी से स्टार्ट होगा, फिर ग्रेटर नोएडा से पास करते हुए यमुना को क्रॉस करेगा, जहां इसकी एंट्री हरियाणा में हो जाएगी। आगे फरीदाबाद के साउथ से होता हुआ जाएगा सोना की तरफ, जहां दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेट टनल बनाई जा रही है 10.5 मीटर ऊंचाई के साथ। इतनी ऊंची इसलिए होगी क्योंकि इसमें से डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स जाएंगी। इसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम भी होगा, जिससे इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। डबल स्टैक में 2 कंटेनर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जो कि बहुत रेयर है फ्रेट ट्रेन्स के लिए दुनिया भर में, मगर ऐसा करने से वेस्टर्न डीएफसी काफी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर लंबी टनल होगी डी शेप में, जिसकी हाइट होगी 10.5 मीटर और विड्थ होगी 14.5 मीटर की।
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 150 स्क्वायर मीटर का, देश की सबसे बड़ी टनल्स में से एक। और क्योंकि इस टनल में कर्व है तो विड्थ और हाइट को थोड़ा ज्यादा रखेंगे उधर, ताकि ट्रेन टर्न्स ले सके बिना टकराए। आगे ये कॉरिडोर रेवाड़ी से होते हुए जाएगा, यहां कई बार राजस्थान और हरियाणा में अंदर बाहर करके फाइनली राजस्थान में घुस जाएगा नारनौल के साउथ में। एग्जिस्टिंग लाइंस के साथ चलेगा मोस्टली, फुलेरा के अराउंड एक बाईपास बनाया जाएगा, फिर अजमेर से पास करेगा, कई और किलोमीटर राजस्थान में ट्रैवल करने के बाद गुजरात में एंट्री लेगा माउंट आबू के पास। आगे पालनपुर से सीधा जाएगा, मगर एक ब्रांच इस लाइन से भी लिंक की जाएगी, ताकि इससे ट्रेन्स गुजरात के मेजर इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट्स तक जा पाएं, कांडला और मुंद्रा पोर्ट्स। इससे हजारों शिप्स पास करती हैं हर महीने। मेहसाना में इधर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली लाइन को इजीली कनेक्ट कर पाएगा बिना किसी सिग्नल और ग्राउंड क्रॉसिंग के। इससे कनेक्ट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाइन मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज राजकोट और जामनगर तक जाती है। आगे ये अहमदाबाद के नॉर्थ से ही अलग हो जाएगा, ग्रीनफील्ड सेक्शन होगा ये, जो कि अहमदाबाद के वेस्ट से होता हुआ जाएगा, फिर वडोदरा को भी बाईपास करेगा, बीच में सारी लाइन से लिंक करते हुए। अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलेगा भरूच तक। इनके अलावा बुलेट ट्रेन भी बनाई जा रही है, जो कि इसी रूट से होते हुए जाएगी। यानी इस पूरे स्ट्रेच में देश के तीन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। कई लोग काफी एक्साइटेड हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के लिए। आगे नर्मदा रिवर को क्रॉस करके डीएफसी वापस एग्जिस्टिंग रेल लाइन से मिल जाएगा, सूरत के ईस्ट से बाईपास करते हुए जाएगा, कई और किलोमीटर चलेगा गुजरात में और यहां महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगा। आगे दहानू को बाईपास करके फिर मौजूदा लाइन से मिल जाएगा, फिर वसई विरार को भी बाईपास करेगा। यहां दो और टनल्स बनाई जाएंगी, 320 मीटर और 430 मीटर लंबी, जो चंद्र के पास ये इस कल्याण वाली लाइन से मिल जाएगा। मुंबई के ईस्ट से पास करेगा डोंबिवली तक, जहां ये ऐसे लिंक हो जाएगा जेएनपीटी के रूट से। नवी मुंबई से होते हुए जाएगा, फिर पनवेल से ऐसे टर्न ले लेगा पोर्ट की तरफ। आगे के सेक्शन में कई एलिवेटेड वायाडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं इसके लिए। पाडेघर में इस कॉरिडोर के कारण एक बहुत ही फंकी लुकिंग रोड इंटरचेंज बनाया जा रहा है इन हाईवेज के बीच। दिखने में ये कॉम्प्लेक्स वाय और ट्रम्पेट इंटरचेंज का मिक्सचर लग रहा है, क्योंकि रेलवे लाइन इसके नीचे से जाएगी, इसीलिए ये ऐसे बनेगा। आखिर में कारल से होते हुए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खत्म हो जाएगा। ये होगा पूरा रूट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, 1506 किलोमीटर की लंबाई के साथ। 5 स्टेट से पास करता हुआ जाएगा, 15 किलोमीटर यूपी से, 160 किलोमीटर हरियाणा से, 564 किलोमीटर राजस्थान से, 583 किलोमीटर गुजरात से और आखिर में 184 किलोमीटर महाराष्ट्र से। वैसे तो इसे सारी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, मगर इसकी एक सिंगल ब्रांच लाइन पीरथला में दिल्ली फरीदाबाद पलवल लाइन के साथ चलेगी तुगलकाबाद स्टेशन के फ्रेट यार्ड तक। सिर्फ यही ऐसी लाइन है जिस पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन्स चलेंगी। वेस्टर्न डीएफसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट साबित होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नए अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे के साथ। अभी तक इसका 734 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हो चुका है, रेवाड़ी से महसाना तक इसमें ट्रेन्स ऑलरेडी चल रही हैं और इसके बेनिफिट्स दिखने शुरू भी हो गए हैं। बाकी पार्ट्स कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में हैं। पूरी लाइन खुलने की डेडलाइन 2024 की रखी गई है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना के बाहर शुरू होगा एग्जिस्टिंग सानेवाल कार्गो स्टेशन से। आगे सिरहिंद के पास ऐसे एस शेप्ड सेक्शन बनाएगा साइड चेंज करने के लिए। अम्बाला से थोड़ा पहले यहाँ इसकी एंट्री हरियाणा में हो जाएगी, फिर एस शेप बनाता हुआ आगे निकल जाएगा, यमुनानगर से पास करते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री ले लेगा, सहारनपुर से पास करेगा, फिर देवबंद और मुजफ्फरनगर के अराउंड बाईपास करेगा नए ग्रीनफील्ड सेक्शन की मदद से, क्योंकि इधर एग्जिस्टिंग लाइन के आसपास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं थी। आगे मेरठ और हापुड़ के अराउंड भी बाईपास बनाया जाएगा, फिर खुर्जा से होते हुए जाएगा। खुर्जा में बड़ा सा रेल इंटरचेंज बनाया जा रहा है, क्योंकि यहां से एक ब्रांच लाइन सीधा जाएगी दादरी तक। ये 46 किलोमीटर लंबी ब्रांच दोनों डेडिकेटेड कॉरिडोर्स को आपस में कनेक्ट करेगी, यानी मुंबई से आने वाला कार्गो डायरेक्टली कोलकाता तक जा पाएगा बिना डीएफसी से निकले। दादरी में भी एक बड़ा सा वाई इंटरचेंज बन रहा है, जिससे लाइंस क्रिस क्रॉस कम करेंगी, इससे स्टॉप्स और डिलेज कम होंगे। ये ब्रांच ईस्टर्न कॉरिडोर में ही आती है। खुर्जा से आगे चले तो ये कॉरिडोर यूपी की कई मेजर सिटी से पास करेगा, पहले अलीगढ़, फिरोजाबाद और इटावा से, फिर कानपुर के साउथ में एक्सटेंसिव बाईपास बनेगा सारी लाइन से लिंक करते हुए। अलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास यमुना को भी क्रॉस करेगा, फिर वाराणसी मुगल सराय से होते हुए इसकी एंट्री बिहार में हो जाएगी। डेहरी के पास न्यू सोन ब्रिज बनाया जा रहा है सोन नदी के ऊपर, जो कि देश के सबसे लंबे ब्रिजेस में से एक हो जाएगा 3 किलोमीटर लंबाई के साथ। इसके आगे वाले सेक्शन की कंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, खुलने में टाइम है अभी। आगे गया से होते हुए झारखंड में एंटर हो जाएगा, फिर धनबाद से होकर वेस्ट बंगाल में। फाइनली ये आसानसोल और बर्धमान से पास करके डानकुनी में खत्म हो जाएगा कोलकाता के वेस्टर्न साइड पर। ये होगा पूरा रूट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, 1885 किलोमीटर लंबा। इसमें खुर्जा दादरी ब्रांच भी इंक्लूडेड है। 6 स्टेट से पास करता हुआ जाएगा, 88 किलोमीटर पंजाब से, 72 किलोमीटर हरियाणा से, 1078 किलोमीटर यूपी से, 245 किलोमीटर बिहार से, 199 किलोमीटर झारखंड से और आखिर में 203 किलोमीटर वेस्ट बंगाल से। रूट में इसे सारी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा और सारी लेवल क्रॉसिंग्स भी रिमूव कर दी जाएंगी।
इस पर सिंगल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलेंगी मैक्सिमम स्पीड से। अभी तक इसका 774 किलोमीटर ऑपरेशनल हो चुका है कानपुर से खुर्जा और दादरी तक। आगे का थोड़ा और स्टेज भी ऑपरेशनल है। बाकी पार्ट कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में है। लुधियाना से डेहरी तक का पार्ट 2023 तक खुलने की उम्मीद है। दोनों कॉरिडोर्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होंगे। 25 किलोवोल्ट एसी पावर सप्लाई रन करेगा ओवरहेड वायर्स में। वैग 12 लोकोमोटिव्स इस पावर को एक्सेस करेंगे सुपर लॉन्ग पेंटोग्राफ की मदद से। वैग 12 दुनिया के सबसे पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव्स में से एक है 12,000 हॉर्स पावर के साथ। स्पेशली डीएफसी के लिए बनवाया है इसको इंडियन रेलवेज ने एस्टम के साथ मिलकर। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज्यादा एफिशिएंट होते हैं डीजल के कंपैरिजन में और कम पोल्यूशन भी फैलाते हैं। दूसरे रूट्स में भी डीजल इंजन को फेज आउट किया जा रहा है धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन के फेवर में। डीएफसी ज्यादातर रूट के लिए एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन्स के साथ चलेंगे नए स्टेशन और फैसिलिटीज बनाते हुए। कई टाउन्स और सिटीज को बाईपास किया जाएगा जहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है। ब्रॉड गेज ट्रैक्स इस्तेमाल होंगे जो कि सबसे कॉमन ट्रैक गेज है इंडिया में। पूरा रूट ग्रेड सेपरेटेड भी होगा यानी कोई भी लेवल क्रॉसिंग मौजूद नहीं होगी जैसे आजकल के नए एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं। सारी एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा अंडर पासिस या ब्रिजेस बनाकर। इससे एक्सीडेंट्स के साथ साथ डिलेज भी कम होंगे और रोड ट्रैफिक में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलेंगी डीएफसी में अभी से 2 गुना लंबी और एक ट्रेन 400 कंटेनर्स कैरी कर पाएगी। इसके प्लेटफॉर्म्स भी लंबे होंगे इसलिए स्टेशन को एक दूसरे से दूर बनाया जाएगा। 40 किलोमीटर दूर डबल ट्रैक सेक्शन में और 10 किलोमीटर सिंगल ट्रैक में। न्यू स्टेशन का नाम पुराने स्टेशन के आगे न्यू ऐड करके रख दिया जाएगा जैसे खुर्जा स्टेशन हो जाएगा न्यू खुर्जा स्टेशन। बाकी स्टेशन के साथ भी ऐसे ही होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा जिसमें अगर किसी ट्रेन के आगे लाइन ब्लॉक्ड हो तो सिग्नल ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। कोई मैनुअल इनपुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीडेंट्स का खतरा भी काफी टल जाएगा इससे। अलाहाबाद प्रयागराज में इसका कंट्रोल सेंटर बनेगा जिसमें डीएफसी पर चलने वाली सारी ट्रेन को मॉनिटर किया जाएगा एक ही रूम से। ये दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोल सेंटर्स में से एक होगा। डीएफसी के बनने से फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 70-80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी पहले से 3 गुना ज्यादा। 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेन। इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग इससे 24 घंटे में शिपमेंट की जा सकेगी इंडिया के हर कोने तक जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। ट्रैक्स की लोड कैपेसिटी 25 टन पर एक्सल वैगन्स होगी और ब्रिजेस में 32.5 टन एक्सल लोड एग्जिस्टिंग लाइन से 50% ज्यादा। ट्रेन पहले 5,400 टन का लोड कैरी करती थी और अब 13,000 टन का लोड कैरी कर पाएंगी पहले से 2.5 गुना ज्यादा। आज के समय लगभग 123 करोड़ टन का फ्रेट रेलवे कैरी करती है हर साल। टोटल 543 मेजर ब्रिजेस, 557 रोड अंडर ब्रिजेस और 304 रोड ओवर ब्रिजेस बनेंगे। इनमें से 78% स्ट्रक्चर्स अभी बन भी चुके हैं और बाकी भी पूरे हो जाएंगे जल्द ही। कोल और सीमेंट दो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ट्रेन से। इनके अलावा फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, आयरन और स्टील भी भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट होते हैं हर रोज। ये मेजर पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया के 9 स्टेट्स में ऐसे पोर्ट्स मौजूद हैं। इनके पास लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे कंटेनर स्टोरेज और मूवमेंट के लिए। ट्रेड में काफी हेल्प करेंगे। डीएफसीज के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाने के प्लान्स हैं, जिसमें नई फैक्ट्रीज, वेयरहाउसेस और पावर स्टेशंस के लिए स्पेशल जोन्स बनाए जाएंगे और इनको रेल लाइन की ब्रांचेस से सर्व किया जाएगा डायरेक्टली ताकि कार्गो डायरेक्टली फैसिलिटीज तक पहुंच जाए और ट्रक्स की इतनी जरूरत ना पड़े। मेजर इंडस्ट्रीज ऐसी ही ऑपरेट करती हैं अभी भी, जैसे कि जमशेदपुर में टाटा की स्टील फैक्ट्रीज। दोनों डीएफसीज की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए, जिसमें से कंस्ट्रक्शन में 1,02,000 करोड़ रुपए लगेंगे और लैंड एक्विजिशन में बाकी 22,000 करोड़ रुपए। इसमें से 14,286 करोड़ रुपए का लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है ईस्टर्न डीएफसी के लिए और 38,722 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA ने दिया है वेस्टर्न डीएफसी के लिए। बाकी फंडिंग दूसरे बैंक लोन्स, इंडियन रेलवेज की इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएंगी। डीएफसीज इंडिया में रेलवेज का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है दोनों लेंथ और इन्वेस्टमेंट में। इसको बनाने और मेंटेन करने के लिए DFCCIL को सेटअप किया गया था 2006 में। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है, इंडियन रेलवेज के अंडर नहीं। DFCs के फायदे अनेक होंगे। सबसे बड़ा फ्रेट मूवमेंट में भारी टाइम और कॉस्ट सेविंग। ज्यादा कार्गो लंबे डिस्टेंसेस कवर करेगा सस्ते में और तेजी से। लॉजिस्टिक कॉस्ट में 30-40% तक गिरावट देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों और आसान हो जाएंगे। प्रेजेंटली देश में ओवरऑल कार्गो मूवमेंट का 30% ट्रेन से होता है जो कि पिछले 60-70 सालों में काफी गिर गया है। कंपैरिजन के लिए 1950s में 80% कार्गो ट्रेन से भेजा जाता था। इसको चेंज करना जरूरी महसूस हुआ इंडियन रेलवे को, इसलिए कई मेजर्स लिए गए इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें से डीएफसी सबसे बड़ा है। 2050 तक आधे से ज्यादा कार्गो को ट्रेन से भेजने की उम्मीद लगाई है रेलवेज ने। ये करना इतना आसान नहीं है मगर इम्पॉसिबल भी नहीं है। डीएफसी से फ्रेट के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन को भी बहुत फायदा होगा। वो कैसे? देखो, अभी पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन को मौजूदा रूट शेयर करना पड़ता है तो उसमें प्रायोरिटी होने के बावजूद भी पैसेंजर ट्रेन को डिलेज का सामना करना पड़ जाता है। जब अलग से एक डेडिकेटेड रूट खुलेगा तो फ्रेट ट्रेन उसको ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगी और पुराना रूट पैसेंजर ट्रेन के लिए खुल जाएगा काफी हद तक, जिससे उनकी भी स्पीड और कैपेसिटी बढ़ाई जा सकेगी। विन विन सिनेरियो है दोनों
दोनों के लिए। अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 70% फ्रेट ट्रेन शिफ्ट कर जाएंगी डीएफसीज पर। ट्रक ट्रैफिक भी डिक्लाइन होगा क्योंकि जहां एक ट्रक सिर्फ 10 टन का कार्गो कैरी कर पाता है, नई ट्रेन 13,000 टन का माल ढो पाएंगी। यानी सिर्फ एक ट्रेन से 1,300 ट्रक्स को रोड से हटाया जा सकता है। इससे ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा कई एरियाज में। इसके अलावा एक ट्रेन में सिर्फ 5 से 10 लोग चाहिए होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वो 1,300 ट्रक ड्राइवर्स जितना सामान कैरी कर पाएंगे, पहले से काफी ज्यादा एफिशिएंट। मगर ये बात सच है कि कई ड्राइवर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। DFCCIL के अकॉर्डिंग ये कॉरिडोर 45 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम कर पाएंगे पहले 30 सालों में। ऐसा सिर्फ कार्गो को ट्रक से ट्रेन में शिफ्ट करके नहीं, बल्कि DFC के पूरी तरह इलेक्ट्रीफाई होने की वजह से भी पॉसिबल होगा। डीजल कंजम्पशन भी कम होगा, जिससे रेलवे हर साल लगभग 12,000 करोड़ रुपए बचा पाएंगे। 3-fold बेनिफिट्स होंगे: एफिशिएंट, चीप और एनवायरमेंटली फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो कैसे? जब कार्गो मूवमेंट चीप हो जाएगी तो और कंपनीज इसे यूज करने लगेंगी, जिससे टोटल कार्गो इंक्रीज होगा, नई फैक्ट्रीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा कुछ समय के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स और टेक्निक्स का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रैक लिंग मशीन्स। ये 33 मीटर लंबी मशीन्स होती हैं जो कि ट्रैक्स को स्पीड से बिछा पाती हैं। एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक्स ले कर सकती हैं केवल 15 से 20 वर्कर्स की मदद से। मैनुअल मेथड के कंपैरिजन में ये कई गुना ज्यादा एफिशिएंट और क्विक होगा। दोनों DFCs मिलाकर लगभग 75% काम कंप्लीट हो चुका है। 1,508 किलोमीटर का रूट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अगले साल जून 2023 तक बचा हुआ ज्यादातर रूट खुल जाएगा, मगर आखिरी कुछ सेक्शंस खुलने में 2024-25 लग जाएंगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न DFCs के अलावा 4 और कॉरिडोर भी प्रपोज किए गए हैं मेजर सिटीज के बीच, जो कि इनकी सक्सेस को देखकर बनाए जाएंगे। पहला होगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई के बीच, 2,300 किलोमीटर लंबा। रास्ते में आगरा, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा के पास से होते हुए जाएगा। दूसरा होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई के बीच, 2,000 किलोमीटर लंबा। ये रायपुर, नागपुर और नासिक से गुजरेगा। नागपुर में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से भी लिंक होगा। इसके बाद ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनेगा खड़गपुर से विजयवाड़ा तक 1,100 किलोमीटर लंबाई के साथ। ये इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के साथ चलेगा, बीच में भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम से होते हुए। आखिरी सदर्न कॉरिडोर होगा चेन्नई से गोवा तक, 900 किलोमीटर लंबा। इसका रूट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, मगर मोस्ट प्रॉब्ली ये बैंगलोर और शिवमोगा से होते हुए जाएगा। इन चारों प्रपोज DFCs की कुल लंबाई होगी लगभग 6,300 किलोमीटर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश में कार्गो मूवमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम टाइमली डिलीवरी के लिए इन पर निर्भर करेंगे। एफिशिएंट फास्टर लॉजिस्टिक्स के साथ चीपर और एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होंगे। इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बस कुछ ट्रक ड्राइवर्स को छोड़ के। ऐसे और भी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।